मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, ये 4a² 4a² कट गया, पीछे क्या रह गया b² देन माइनस, देन आप देखें आपके पास पीछे क्या रह गया, अब इधर a और a के स्क्वायर कट गया यानी a के ही रह गया, तो हम क्या करेंगे ये इस माइनस c क्या रह गया हमारे पास 4c, तो इसको 4ac, सॉरी ये 4ac रह गया, हमने 4ac लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ से ही हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा x² + b/2a, ऐसे ही लिखेंगे, तो इसके साथ इस वैल्यू के साथ आपको पता है क्या आ जाएगा, अब ये आप बताएं इसके साथ क्या आएगा प्लस माइनस, तो अब ये देखें आप ये प्लस माइनस आएगा, लेकिन ये ऊपर वाली टर्म देखें तो ये फुल है, b का तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगी, लेकिन ये वाली टर्म a और c कट नहीं होता, तो इस वजह से ये सारी फुल एक टर्म है, तो ये इसकी कटिंग नहीं हो, इसकी स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं होगी, तो इसको इसी तरह ही लिखेंगे। और अब ये जो 4a² है, a का स्क्वायर कट जाएगा, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे 4a का, तो ये आ जाएगा 2a। अब ये हमारे पास आ गया, अब आप ये देखें अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि अब हम इस टर्म को इस साइड पे लेके जाएंगे, तो मैं इसको लिख लेती हूँ इस टर्म को, ये इस साइड पे आके क्या बन जाएगी, इधर नेगेटिव थी इधर आके प्लस थी उधर, और इधर आके नेगेटिव हो जाएगी b/2a, और साथ हमारा क्या था प्लस माइनस b² - 4ac/2a, ये हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसका मैं एलसीएम लूँगी, एलसीएम लूँगी तो 2a आ जाएगा, अब इधर क्या होगा ये आपको पता है 2a सब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूँगी, अब इधर ये 2a 2a के साथ कट जाएगा, पीछे क्या रह गया माइनस b, और फिर इधर प्लस माइनस, इधर भी 2a 2 कट गया, तो पीछे क्या रह गया b² - 4ac, अब इसकी स्क्वायर रूट भी डाल देंगे, तो ये हेंस आपने क्या प्रूव किया, ये आपके पास क्या आ गया, क्या आपके पास फार्मूला आपने प्रूव कर दिया, 10x=-b + -b² - 4ac/2a, तो ये आपका क्या हुआ, इज नोन एज, आप लिख दोगे इज नोन एज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये हमने लिख दिया, ये प्रूफ भी कर दिया, तो आपने ये देखा अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूफ करें क्वाड्रेटिक फार्मूला को, तो आपने इसी तरह ये इक्वेशन लगा के और कंप्लीटिंग स्क्वायर का सारा मेथड लगा के तो प्रूफ कर देना है।